यूनिटी में पार्टिकल ब्लास्ट इफेक्ट कैसे बनाएं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पार्टिकल के लिए एक मटेरियल क्रिएट कर लेंगे। उस मटेरियल की प्रॉपर्टी में हम लेजर्स शेडर्स में जाकर पार्टिकल्स में जाकर एडिटिव सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे टेक्सचर्स में और उसका कलर वाइट सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी ओपेसिटी फुल कर लेंगे। उसके बाद हायरार्की में हम राइट क्लिक करेंगे और इफेक्ट्स में जाकर पार्टिकल सिस्टम सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, उसको रिसेट कर लेंगे। उसके बाद में रेंडर में जाकर मटेरियल असाइन कर देंगे। फिर ड्यूरेशन की वैल्यू 1 ले लेंगे। स्टार्ट लाइफ टाइम को रैंडम बिटवीन 2 कंस्टेंट सिलेक्ट कर उसकी वैल्यूज 0.01 और 1 असाइन कर देंगे। स्टार्ट साइज रैंडम बिटवीन 2 कंस्टेंट सिलेक्ट करके 0.01 और 0.5 असाइन कर देंगे। स्टार्ट कलर भी हम रैंडम बिटवीन 2 कंस्टेंट लेकर फर्स्ट कलर में क्यान असाइन कर देंगे। एमिशन का रेट ओवर टाइम हम 0 कर देंगे और बर्स्ट ऐड कर लेंगे। फिर शेप में जाकर स्फेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और कलर ओवर लाइफ टाइम को ऑन कर उसकी ओपेसिटी में लास्ट की ओपेसिटी डाउन कर लेंगे। फिर पार्टिकल सिस्टम का प्रीफेब बना लेंगे। उस प्रीफेब को जहाँ पर हमारा प्लेयर या कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को हम स्पाउन कर लेंगे, तो होगा कुछ ऐसा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।